हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या यूट्यूब एड्स के बिना भी यूट्यूब पर कमाई की जा सकती है, क्या कोई इनकम का जरिया हो सकता है यूट्यूब एड्स के अलावा। दोस्तों, जैसा कि आप वेबसाइट में जानते हैं कि वेबसाइट पर आप एडसेंस के ऐड ना लगाएं तो अभी वहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव है जहाँ के ऐड आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा कोई ऑप्शन या अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पर इनकम चाहिए तो सबसे पहला जो जरिया है जो लोगों के दिमाग में रहता है कि वो हैं कि यूट्यूब के एड्स। लोग ये जानते हैं कि अगर यूट्यूब के एड्स आएंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब के ऐड के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर पूरा ना हो जाए और 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा ना हो जाए तब तक YouTube की तरफ से आपको फूटी कौड़ी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप उन क्राइटेरिया को पार नहीं कर लेते, जब तक आपका चैनल रिव्यू नहीं हो जाता, आपके चैनल पर ऐड नहीं आते, और ये जो है YouTube की नई गाइडलाइन है। तो दोस्तों, अब जिन यूट्यूबर का मोनिटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है उनके लिए पैसा कमाने का क्या जरिया हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि नया मोबाइल है, कोई दूसरे गैजेट्स हैं, या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, उसको नया आप ले खरीदें, या फिर किसी कंपनी के द्वारा आप प्राप्त करें और उसका अनबॉक्सिंग करके उसका जो लिंक है वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। इसको आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। या तो आप अनबॉक्सिंग करें और उसका लिंक दें, या फिर आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इन वेबसाइट के प्रोडक्ट आप डायरेक्टली उनको बताएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, कोई बेनिफिट वाली डील है तो आप उनको वीडियो बनाकर उन्हें बताएं और उनकी जो लिंक है, एफिलिएट लिंक जो है, आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दें। जब वहाँ पर लोग क्लिक करते हैं और उससे वो आइटम खरीद लेते हैं तो आपको कुछ परसेंट जो है मिल जाता है, और अगर 24 घंटे के अंदर वो उस लिंक पर क्लिक करके वो आइटम ना खरीदे फिर भी अगर वो कोई और चीज़ भी खरीदते हैं तो भी उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं। दूसरा चीज होता है, एक होता है कि स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप ये होती है कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती है, या फिर अपना ऐप जो है प्रमोट करवाती है, या फिर अपना सॉफ्टवेयर प्रमोट करवाती है, तो वो उस प्रमोशन के अच्छे खासे पैसे यूट्यूबर को देती हैं। दोस्तों, आप भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने रिव्यू किए हुए हैं, प्रमोशन किया हुआ है 2-4 ऐप का, और एक आधा प्रोडक्ट है उसका भी किया हुआ है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो रिव्यू है करने के लिए वो जो कंपनी है $100 से लेके $5,000 तक का पे आउट देती हैं, और ये जो है वो यूट्यूब का जो रेवेन्यू है उससे अलग इनकम है। यूट्यूब का तो आपको जब मोनिटाइजेशन ऑन हो जाता है तब मिलता है, लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है यूट्यूब रेवेन्यू का। अगर आपका मोनिटाइजेशन ऑन नहीं है फिर भी आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, एफिलिएट जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में देके अर्निंग कर सकते हैं, और साथ ही दूसरे जो ऐप हैं या प्रोडक्ट है उनकी स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाए तो उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रेवेन्यू के बारे में, यूट्यूब मोनिटाइजेशन के अलावा और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर YouTube से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे Instagram पर फॉलो करें और वहां पर आप मुझे DM कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसी तरह की कोई रोचक जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।